subscribe and press the bell icon for latest update. अक्सर ही सियासत में सत्ताधारी नेता विरोधी नेताओं पर तंज कसते रहते हैं और बयान देकर आरोप भी लगा देते हैं, साथ ही कभी कभी शब्दों की मर्यादाएं भी पार कर जाते हैं। लेकिन एक दूसरे को निशाने पर लेने वाले यही नेता जब सियासी रंग से बाहर आते हैं तो एक अलग ही रंग सामने आता है। बीते दिनों गणतंत्र दिवस मनाया गया, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस सहित अन्य पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। इस दौरान सभी नेताओं ने सियासी मतभेद भुलाकर एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया। बात चाहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हो या फिर बात हो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की, लेकिन इन नेताओं के बीच में दो ऐसे नेता रहे जिन्होंने बीते साल गुजरात में हुए विधानसभा चुनावों के दौरान एक दूसरे को निशाने पर लिया था। इन दोनों नेताओं में से एक नेता पूर्व प्रधानमंत्री हैं तो एक वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। बता दें आपको, गणतंत्र दिवस के दौरान पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दूसरे से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के मिलने का नजरिया कैमरे में कैप्चर हो गया। उसमें ऐसा लग रहा है कि पीएम मोदी मनमोहन सिंह को घूर रहे हैं। दोनों की मुलाकात के दौरान की फोटो आप हमारी रिपोर्ट में देख पा रहे हैं कि किस तरह दोनों नेता ने एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया है। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।